तीन युवकों ने याकूबपुर के पास पिस्तौल की नोक पर छीनी। चालक से ओला कंपनी की गाड़ी पुलिस को दी गई शिकायत, मामला दर्ज। तीन अज्ञात युवकों ने याकूबपुर गांव के पास ओला कंपनी के चालक से उसकी गाड़ी छीन ली। पिस्तौल की नोक पर तीनों युवकों ने गाड़ी से चालक के साथ मारपीट की और उसका फोन भी उससे छीन ले गए। यूपी निवासी चालक ने पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस मामला दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। दुलीना चौकी प्रभारी कुलवीर सिंह ने बताया कि मामले में आसपास के सीसीटीवी की जांच की जा रही है। मामले में हर संभव प्रयास आरोपी युवकों को पकड़ने के किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले में गाड़ी के चालक रोहित कुमार निवासी फिरोजाबाद यूपी ने पुलिस को शिकायत में कहा है कि वह हाल में नोएडा में रहता है। वह एक सफ़ेद रंग की ओला कंपनी में गाड़ी चलाता है। सोमवार सुबह करीब 5 बजे गाड़ी नांगलोई दिल्ली से झज्जर के लिए बुक हुई थी। गाड़ी लेकर वह नांगलोई फ्लाईओवर के पास पहुंचा। उसे वहां पर 3 लड़के मिले। वह गाड़ी लेकर झज्जर के लिए तीनों को बैठा कर चल पड़ा। आगे बैठे लड़के ने अपना नाम सागर निवासी कराला दिल्ली बतलाया। बातचीत में सागर पीछे बैठे लड़कों को अमन व जय भगवान के नाम से बुला रहा था। जब वह सोंदी गांव से निकलकर याकूबपुर के पास पहुंचे तो सुबह करीब 6 बजे थे। तीनों लड़कों ने उसे रिलायंस के अंदर गाड़ी ले जाने की बात कही। गेट नंबर 7 से जब वह गाड़ी को लेकर वहां पहुंचे तो पीछे बैठे लड़के ने उसके सिर पर पिस्तौल लगा दी और गाड़ी रुकवा ली। उसके साथ मारपीट की और उसका फ़ोन भी उससे छीन लिया। रोहित कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि तीनों युवक उसे गाड़ी से ज़बरदस्ती नीचे उतार कर उसकी गाड़ी को उससे छीन कर ले गए। रोहित कुमार ने इस विषय में पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस ने रोहित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।